राम कटोरी। क्या हवलदार साहब, कितना वेट कराते हो? तो और भी काम है मुझे, राइस शर्ट को धो देना। 50 रुपए लगेंगे। एक शर्ट के 50 रुपए? क्यों? तो शर्ट भी तो टेंट जितनी बड़ी है। ठीक है, ज्यादा फ्रेंडली होने की जरूरत नहीं है। इसको ठीक से धोना, ये दाग दिख रहा है, ये दाग इस शर्ट से निकल जाना चाहिए। मेरी बीवी की फेवरेट शर्ट है ये, फेवरेट। एक हफ्ते में 8 बार मुझे यही शर्ट पहनाती है, कहती है मैं एकदम टूटी फ्रूटी जैसा दिखता हूँ। ये दाग हट जाना चाहिए वरना मेरी बीवी आग लगा देगी। प्लीज। ओके, बाय, सी यू लेटर। उफ, ये मर्दों की भी जिंदगी। घर पे सूर्प नखा जैसी बीवी और यहाँ पर वो खतरनाक खौफनाक चंद्रमुखी चौटाला। दिमाग खराब। मैडम आपका जीव, तू अपना गाल मारे हाथ के सामने पेश कर रहा या मैं अपना हाथ थारे गाल के सामने पेश करूं? मुआफी मैडम, मुआफी, मुआफी। मैं यो देख रही हूँ घने दिनों से कि काम में तो थारा दिल लग कोई ना रहा, बस यो परपंच करने में इतने घना रहा सारा गुलगुले है। आज से जो है ना, इस चौकी में जितने केस आएंगे तू सॉल्व करेगा बेटा। मैडम सब कुछ मैं करूंगा तो आप क्या करेंगे? दादा जवान ने जुबली कुमार बनाने की कोई जरूरत ना रही। ना मैं यो ऑब्जर्व करूंगी ना नोटिस करूंगी कि तू किस केस में कितना इंटरेस्ट ले रहा है। और दूसरी बात, ईब जो है ना, थारे दिमाग में सारे आइडिए थारे आने चाहिए। जो कतई ना गलती से भूले भटके मारा कोई आइडिया आ गया ना तो डेथ से बेटा, डेथ से। क्लियर? वेरी क्लियर मैडम। यहाँ थानेदार कौन है? भाई थानेदार ने तो जो है ना सैर सपाटे से फुर्सती कोई ना मिल रही। फिलहाल मैं बैठी हूँ, थानेदार नहीं मन ने बोल के हो गया ना। थारी बीबी को थारे पड़ोसी ने छेड़ दिया या तैने अपने पड़ोसी की साली छेड़ दी? एक मिनट मैडम, हम ऐसे आदमी नहीं है जो किसी की बीवी या साली छेड़ दे। तो तुम पति और साला छेड़ते हो? एक मिनट भाई, तुम जरा खुल के बताओ बात क्या है। देखिए हमारा नाम है संदीप सहानी, सहा नहीं जाता। क्यों भाई, ना ऐसा क्या जुलुम कर दिया थारे पे जमाने ने जो सहा ना जा रहा था से? दरअसल मैडम हमारी नई नई शादी हुई है लेकिन सुहागरात नहीं मना पा रहे। भाई यो चौकी हो रही है या मैरिज ब्यूरो हो रहा है? ना सुहागरात डिपार्टमेंट खोल रखा हम लोगों ने। एक मिनट मम्मी जी, सुहागरात की बात हो रही है। हाँ भाई तुम बताओ, तुम अपनी सुहागरात क्यों नहीं मना पा रहे हो? देखिए बात दरअसल ये, हमारी बीवी फुर्तीली है। ओहो, फिर तो तुम भी फुर्तीले हो जाओ। उसका नाम फुर्तीली है। वो एक खिलाड़न है, उसे खेलने का बड़ा शौक है। बस उसी शौक की वजह से हम अपनी सुहागरात नहीं मना पा रहे हैं मैडम। अब परसों रात की ही बात ले लीजिए, हमने थोड़ा सा मूड बनाया सुहागरात मनाने का, दूध पूध गर्म कर लिया, सोचा थोड़ा सा एक घूट उसे पिलाएंगे एक घूट हम पिएंगे, और दूध लेकर गए तो वो तो बोलने लगी ऊंच नीच का पापड़ा, ऊंच नीच का पापड़ा, ऊंच मांगी नीच। तो हमने सोचा उसे पापड़ खाने का मन हो गया है, तो हम किचन में गए और पापड़ भून ले आए। कौन सी दाल का? उड़द की दाल का या मूंग की दाल का? उड़द। काली मिर्च वाला या सादा? काली मिर्च। ना क्यों टिकाएगा तू? ना चकना मंगा रहा तू तो टिका रखिए तेने या टिकाएगा यहाँ बैठ के? ना डांस बार में चले जा तू। सॉरी मम्मी जी, सॉरी। तू बोल। हाँ तो हम पापड़ भून के ले आए तो वो तो हम पर हंसने लगी, फिर से बोलने लगी ऊंच नीच का पापड़ा, ऊंच मांगी नीच। तब हमें समझ में आया ये तो ऊंच नीच का पापड़ा खेल खेलने की बात कर रही है, तो हमने तो नीच मांग ली। क्यों, तुम नीच आदमी हो? अरे हम किसी ऊंची चीज पे चढ़ नहीं सकते ना, इसलिए। क्यों नहीं चढ़ सकते? वो दरअसल बात ऐसी है मैडम कि हमारे सामने वाले कुएं पर एक धोबन आती है, तो एक दिन गलती से हमने धोबन को पकड़ लिया तो उसने कपड़े कूटने वाले कूटने से हमारे घुटने कूट दिए। आपने सुना होगा लोगों के घुटने टूट गए, हमारे घुटने कूट गए। तब से हम कूटे हुए कोफ्त की तरह जी रहे हैं। भाई जो आगे भी जीना चाह रहा हो ना तो पका मत मरने, कंटिन्यू कर अपनी स्टोरी। हाँ तो हमने जो है कि नीच मांग ली तो बीवी तो पलंग के ऊपर चढ़ गई। अब पलंग के बगल में खिड़की है तो बीवी खिड़की से बाहर कूद गई। हमने सोचा उसे खेलने का शौक है, खिलाड़न है ना, तो बाहर खेल रही होगी।
एक दिन हो गया, दो दिन हो गए, आज अभी तक वापस नहीं लौटी मैडम। तो हम यहाँ गए कि आप धुन निकालिए, कहाँ गई हमारी बीवी? गुलगुले केशवल पर। जी मैडम, तुम्हारे पास उसकी कोई फोटो है? भाई अब तो फोटो ही बची है हमारे पास, सिर्फ ये लीजिए। गोपी जरा ढूंढ पता करिए कहाँ है, तब तक आप जरा यहाँ पर बैठिए, वेट कीजिए। थैंक यू भैया, बहुत तकलीफ हो रही है खड़े खड़े। आप खड़े थे? ठीक है मैडम। हो गया फुर्तीली? नहीं, इसकी बीवी किसी और के साथ, ये तो है कर बर्बाद। ये कहाँ मिली आपको? ये दोनों तुड़ियागंज चौराहे के पास स्कूटर पे स्पीडिंग कर रहे थे, वहां से पकड़ के लाया हूँ। ओहो, तो आप फुर्तीली हैं, और आपकी तारीफ? जी मेरा नाम सतपाल स्पोर्टी है, कमेंट्री बॉक्स से, कमेंट्री बॉक्स मेरा तकिया कलाम है, वैसे मैं एक खिलाड़ी हूँ। ओहो, तो आप खिलाड़ी हैं और ये खिलाड़न। वैसे कौन सा मैच खेलते हैं आप लोग, 50-50 या 20-20? हम लोग फ्रेंडली मैच खेल रहे थे क्योंकि वी आर लवर्स। क्या स्पोर्ट्स लवर्स? वैसे फुर्तीली तुम कहाँ चले गए थे? ओहो, जब मैं खिड़की से कूदी ना तो मुझे ये दिखे, इनको देख के मुझे लगा कि ये कोई स्पोर्टी आदमी होंगे, और देखो ये निकले भी सतपाल स्पोर्टी। तो मैंने इनसे पूछा कि ये कहाँ जा रहे हैं, इन्होंने मुझे कहा कि पास में जो चमारकन टोला है ना, वहाँ पे स्पोर्ट्स कैंप चल रहा है, तो मैं भी इनके साथ चली गई बस। ओ अच्छा, जाती ना फोन कर देती मुझे। हाँ, न जाने मैं तो खाम का परेशान हो रहा था। Anyway, everything is okay, fine, sorry. चलो चलें। हाँ, चलो जाके बास्केटबॉल खेलते हैं। अरे 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 फुर्तीली, तुम तो जानती हो मेरे घुटने कुटे हुए हैं, मैं कहाँ खेलूंगा बास्केटबॉल। ओहो, मेरे दिमाग में मेरा ही एक आइडिया आया। गुलगुला गुलगुला, एक मिनट, काका सतपाल तुम जाके वहां बैठो, अभी हमारी मम्मी जी आएंगी, वो आके तुम्हारा कच्चा चिट्ठा खोलेंगी, ठीक है? चलो वहां चलो। बस अब बोल। आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग अपने घर जाके आंख मिचोली खेलिए, उसमें घुटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आंख मिचोली मुझे बहुत पसंद है। अरे सुनो तो।